नमस्ते फ्रेंड्स, चेस मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक चेस ओपनिंग ट्रैप के बारे में सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले नॉर्मली चेस ओपनिंग वाइट पॉन e4, ब्लैक e5, वाइट नाइट f3, नाइट c6 और इसी के साथ रॉयल पेज ओपनिंग के साथ वाइट अपने बिशप को b5 के लिए मूव करता है और नाइट अटैकिंग के लिए f6 पर जाता है और इसी के साथ ब्लैक का नाइट इस पोन पर अटैक करता है। इस पोन के डिफेंस के लिए पोन d3 वाइट मूव करता है। नेक्स्ट मूव में ब्लैक नाइट को e7 के लिए मूव करता है, जिससे ब्लैक का ये पोन जो e5 पर है ये डिपेंडेंट नहीं रहता। इसके बाद वाइट इस पोन पर अटैक करता है, जिससे ये ट्रैप आगे स्टार्ट होता है। इसके बाद आप पोन को c6 के लिए मूव करते हैं और अपने डिफेंस के लिए वाइट के पास दो ऑप्शन हैं अपने बिशप को बचाने के लिए। वाइट अपने बिशप को या तो इस यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ पे मूव करेगा। वाइट के पास दो ऑप्शन है, पर वाइट कहीं भी मूव करे ये ट्रैप वैसे ही काम करेगा। मान लो कि वाइट ने यहाँ पे मूव किया है तो आप किंग को a5 के लिए मूव करेंगे, जिससे किंग को चेक और यहाँ पे नाइट पर अटैक हो रहा है और अपने चेक को बचाने के लिए किंग के डिफेंस के लिए वाइट अपने नाइट को आगे लाएगा और आप आसानी से वाइट का नाइट किल कर सकते हैं। इस ट्रैप में आपको एक सावधानी रखने की ज़रूरत है, जो ध्यान रखने की बात है, अगर इस पोजीशन में वाइट अपने बिशप को डिफेंड नहीं करता है और अपने नाइट का मूव c4 के लिए करता है तो क्या आप वाइट के बिशप को किल करेंगे? तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया, जैसे कि आपने बिशप को किल किया, तो नाइट सीधा d6 पर जाएगा और आपकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आशा है आपके यह ट्रैप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और ऐसे ही चेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।